सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जैसे आप सभी को पता है, कल रात को ही मैंने आपको बता दिया था कि एएलपी का जो रिजल्ट है, रिवाइज रिजल्ट जो है वो आपका आने वाला है, ठीक है। और रात से ही आप लोग देख पाए होंगे रिजल्ट निकल कर आ गया है। लेकिन रिजल्ट में एक चीज निकल कर आई, जो सिलेक्शन है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, जो फायदा मिला है वो उन छात्र को मिला है जिनका जो पोस्ट प्रेफरेंस था, जो था आपका फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स और मैथ वालों का टफ आप बोल सकते हो बहुत कम गया है। अगर उनके नंबर 75 में अगर वो 30-32 भी सही किए हैं तो उनका सिलेक्शन जो है वो हुआ है। तो सीधे सीधे जो ज्यादा से ज्यादा लाभ है रिवाइज रिजल्ट का, वो फिजिक्स और मैथ वाले को मिला है। इन कंपैरिजन अगर किसी भी ट्रेड से बात करूं, फिटर वगैरह, तो इनको ज्यादा मिला है। तो देखो, आपके पास जैसे रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, मैं और भी रिजल्ट दिखा रहा हूं। अजमेर जोन का कृष्णा कुमार नाम है, इनका रॉ मार्क्स जो है आउट ऑफ 75 में 29 नंबर आया है, और प्री रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 39, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो इनका मार्क्स चला जाता है वो हो जाता है 41। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे मार्क्स किया जा रहा है 41, और इनका सिलेक्शन जो है वो हो गया है, और एग्जाम ट्रेड जो है वो 74 है, ठीक है। आगे मैं दिखाऊं अलाहाबाद जोन से, देखिए रवि सिंह जिनका, एक चीज देखिए यहां पर इनका जो रॉ मार्क्स है वो 27 है, ठीक है, कितना है 27 है, और प्री रिटेन मार्क 36, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 39 है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये फिटर है। अब आप बोलेंगे भैया इसके पहले आपने रिजल्ट दिखाया 41 39 तो कम है ना। मैं आपको एक रिजल्ट और दिखाता हूं, देखिएगा। मान लीजिए ये रिजल्ट देखिए, यहां पर देखिए मुंबई जोन का है और सुमित कुमार नाम है, और रॉ मार्क्स जो है 75 में वो 24 है, और प्री रिटेन मार्क्स कितना है 33, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो मार्क्स इनका आ रहा है वो आ रहा है आपका 37, देख रहे हैं। और इनको शॉर्ट लिस्टेड है, यानी सेकेंड एग्जाम के लिए, सेकेंड सीबीटीटी 2 के लिए ये क्या है, सिलेक्ट कर लिए गए हैं, और एग्जाम ग्रेड 73। लेकिन यहां देखने वाली बात ये है, जो इनका पोस्ट प्रेफरेंस था वो फिजिक्स और क्या है, मैथ। इसका मतलब ये होता है, अनुमान लगा लीजिए जिनका भी पोस्ट प्रेफरेंस फिजिक्स और मैथ था उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एक चीज और देखिए एग्जांपल यहां पर भी, अमन चोकर जिनका 30 आउट ऑफ 75 रॉ मार्क्स है, प्रोरेटेड मार्क्स कितना है 40.889 आउट ऑफ 100, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इनका मार्क्स है 46, और इनका भी सिलेक्शन हो गया है, जबकि इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कितना है आपका, फिजिक्स और मैथ है। तो जितना भी रिजल्ट मैं देख रहा हूं, फिजिक्स और मैथ वाले को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिला है। देखो इसीलिए हमेशा बोला जाता है, आप फॉर्म फिलअप करते वक्त थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो अब जिन्होंने भी फिटर भरा होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो जिनका सिलेक्शन हो गया है फिजिक्स और ट्रेड में, फिजिक्स और मैथ्स का आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा और जिनका सिलेक्शन हो गया है इतने कम नंबर पे, तो कहीं ना कहीं उनको तो बेनिफिट्स है ना, आगे जाने का मौका तो है, स्टेप तो है ना। अगर आप भी अगर फिजिक्स एंड मैथ भरते और आपका 41-42 मार्क्स आ रहा था तो आपका भी सिलेक्शन होता। अगर आपके पास अभी ऑप्शन दिया जाए कि अभी चलो आप ये ले लो, तो आप सभी ले लेंगे। लेकिन इसीलिए बार बार बोला जाता है, फॉर्म भरना सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, एक कला भी है, एक टेक्निक भी है, आपको सोच समझ कर जांच कर फॉर्म भरना चाहिए। अभी देखो जितने भी मेरे भाई बहन जो एलपी का एग्जाम दिए हैं, अभी रिसेंट में जेई का भी फॉर्म निकला है, तो बहुत सारे छात्र एएलपी वाले ये भी फॉर्म फिलअप करेंगे। कैसे भरना है, क्या करना है, मैं संपूर्ण डिटेल आपको बताऊंगा इसके बारे में। जो वैकेंसीज आने वाली है 14,000, तो सभी से निवेदन है जो भी चैनल पर नए हैं सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बिल को दबा लीजिएगा, ताकि पर एक अपडेट आपको मैं देता रहूं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए तैयारी अच्छे से करिए, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, आरपीएफ हो, जीडी हो, या फिर एएलपी सिविल 2 हो, और जिनका रिजल्ट निकल गया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए।